मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम जी तेरा भला करे, अल्लाह ताला भला करे। सत्संग, यहां एक परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो, ओम हरि अल्लाह गौर खुदा और वाहिगुरु मालिक की चर्चा के बारे में यह बताया जाए कि वो एक है, उसके लाखों नाम हैं, पर वो एक होते हुए भी कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी शक्ति जिसके बारे में भूतकाल वर्तमान भविष्य तीनों में आज ही कहा जा सकता है वो सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसा अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह गौर खुदा रब वाहिगुरु है। वो एक ऐसा सच है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आया ना कभी आएगा, लेश मात्र भी उसमें अंतर नहीं आता। जो कोई उसे सच्चे दिल से बुलाता है, सच्ची तड़प से बुलाता है, वो मालिक, वो दया के भंडार, रहमो करम के मालिक दौड़े चले आते हैं और अंदर बाहर से जीव को नवाजते हैं। उस परम पिता परमात्मा को अगर आप देखना चाहते हो, उससे रूबरू होना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, तो यह लाजमी बनता है आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मरीज को जिस डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता, कभी वो उस डॉक्टर से सही नहीं होता। बहुत बार ये देखा गया है, हर बार तो नहीं पर बहुत केसेस में, और जिस पे विश्वास आ जाए कि ये तो भाई डॉक्टर नहीं भगवान की तरह है, उसकी एक टेबलेट से भी कई बार आराम आते देखा गया है। इसलिए परम पिता परमात्मा को देखने के लिए ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब को रूबरू करने के लिए गुरु मुर्शिद कामिल पे दृढ़ विश्वास करना पड़ता है। जिमीदार भाई बीज लाते हैं और बीज फलता फूलता है तो उनका दुकानदार पे विश्वास होता है, वरना बीज को सूंघ के खा के देख के बताया नहीं जा सकता कि वो 40 क्विंटल प्रति एकड़ झड़ेगा या 20 क्विंटल प्रति एकड़ झड़ेगा। विश्वास, और उस विश्वास के सहारे वो बीज ले आते हैं। उसी तरह राम नाम तो बाद में चले, पहले गुरु पीर फकीर पे विश्वास हो, अगर उस पे विश्वास नहीं तो उसके दिया राम नाम कैसे चले। पहले विश्वास दृढ़ करना पड़ता है, जिसको दृढ़ विश्वास आ जाए कई बार राम नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप ही चल पड़ता है, ये भी होता है। दृढ़ विश्वास कैसे आए, ठोक बजा के देखो। जो दिलो दिमाग में शक हो, अपने पीर फकीर, वो लाइक टीचर, लाइक मास्टर लेक्चरर होता है, आप अपनी बात करो। जो मन में डाउट है, जो शक है, उसे पूछो। सच्चा फकीर आपके सवाल का जवाब देगा ही देगा, कभी छुपाएगा नहीं, और आपके शक शुभा सब दूर हो जाएंगे, तो मालिक की कृपा से आप उसके दिया में रहमत के काबिल बन जाएंगे। इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, नहीं। भक्तों की ये भाषा नहीं, भक्त तो कहते मेरे सतगुरु मौला ने सब किया, वो ही करेगा। ना वो किसी से डरता है भगत, ना कभी किसी से चुप होता है, उसके दिल और दिमाग में जो बात होती है, क्योंकि उसके अंदर अपने सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के लिए बे इंतहा मोहब्बत होती है, उसके अंदर बकरे की तरह मैं आता ही नहीं। वो कहते तू किया, तू करेगा, तू कर रहा है, तू करता था, करता है और करता ही रहेगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, खाक हूं, तू रहमो करम का मालिक है। तो जो अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचनों पर अमल किया करते हैं, दृढ़ विश्वास रखा करते हैं, मालिक भी उन्हें अपने रहमो करम के साय से नवाज देता है, दया में रहमत से बख्श देता है, उसे कोई कमी नहीं रहती। कई बार एक कहावत है, देर आयद दुरुस्त आयद, जरूर देरी हो जाती है लेकिन उसको तड़फाने की वजह से नहीं, कोई कर्मों की वजह से, लेकिन फिर भी मालिक के दर्शन हो, वो कृपा कर दे तो देर आयद दुरुस्त आयद, मतलब मिला तो सही, लोग तरसते हैं तुझे मिल गया,
और क्या चाहता है भाई, तेरा मुरझाया फूल खिल गया। सो वो रहमो करम बरसा देते हैं, एक पल में दोनों जहां दिखा देते हैं। देखने वाले तो कहते हैं अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता रहबर के एक इशारे में दोनों जहां देख लेते हैं। ये तो इंसान के विश्वास की बात है, कितना दृढ़ विश्वास है। कोई कुछ भी कहे वो अपने विश्वास से टस से मस नहीं होते। ऐसे भक्तों को मालिक विद्या में रहमत से माला माल कर देते हैं, लवरेज कर देते हैं। तो सत्संग में आके विश्वास आता है, सत्संग सुनो अमल करो तो अंदर बाहर की खुशियों से आप जरूर माला माल होंगे, उसकी दया में रहमत के काबिल बन जाओगे, कृपा दृष्टि से लबरेज हो जाओगे। तो सत्संग में आओ, सुनो, विचार करो। संत अपनी बड़ाई नहीं करते, वो तो कहते हैं वो अल्लाह ताला, वो राम, वो ईश्वर, दोनों जहां का मालिक है। सच्चे दिल से बुलाओगे तो वो दौड़ा चला आएगा और तेरे बिगड़े से बिगड़ा काम पल में बन जाएगा। यारी अगर मिस्त्री से है और घर में चारपाई की अगर बाजू टूटी हुई है, कह के डलवाई तो क्या मजा। मिस्त्री अगर दोस्त है, उसे दिखता है मेरे यार मेरे दोस्त की चारपाई की बाजू टूटी है, तो झट से बदल देता है। उसी तरह सतगुरु मौला पे जब दृढ़ विश्वास आ गया तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन मांगे मोती मिले, फिर नहीं कमी रहती। हाँ, विश्वास अगर पारे की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे फिर ऊपर नीचे में ही उलझे रहते हैं। तो उस मालिक पे सतगुरु मौला पे दृढ़ विश्वास रखो, वो अंदर बाहर कमी नहीं छोड़ेगा, दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा।